बेलगाम मौसीयों को नमस्कार। मेरे दोस्त जावेद अत्तार साहब ने खड़े बाज़ार के अंदर बेलगाम सुपरमार्केट वह नया खुला है, जहाँ पर मुझे लगता है कपड़े, घर के घर का सब तरकारी हो, जो भी कुछ चाहे वो सब एक ही जगह पर, एक छत के ऊपर आपको मिलने का अवसर दिया हुआ है। तो मैं इनको पहला जावेद अत्तर साहब को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसा एक सुपरमार्केट आपने खड़े बाज़ार के अंदर जहाँ ज़रूरत थी वहाँ आपने खोला है, और बेलगाम के लोगों को एक विनंती है कि आप यहाँ आइए, यहाँ का जो भी चीज़ आपको घर के लिए मांगता है वो सब खरीदिए। खरीदने के बाद उसका आपको अच्छा लगा तो दूसरी बार आइए, क्योंकि मुझे लगता है 100% कि एक बार आप आएंगे तो बार बार यहाँ आप आएंगे, खरीदी करेंगे। ऐसा अत्तर भाई हमारे हैं और उनके जो सहयोगी जो है उनका भी उसके अंदर सहकार है, सहयोग है। मेरे बेलगाम वासियों को एक विनंती कि आप आइए, खरीदी करिए और अपना जीवन में जो जो आपको लगता है यहाँ से खरीदी करके उसका आनंद उठाइए बस। ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे अलमीन सोसाइटी के मिस्टर फारूकी सर,
उमर फारूकी सर हम सब के बीच खुशी करने के लिए जो बुलाता हूँ और मुझे लगता बुलाता हूँ और साथ ही साथ राजशेखर इस्तेमाल करें अनिल बेंके साहब बहुत ही तमीज सूखे में लीडर हैं। हमारे मसाइल हमारे प्रॉब्लम उनको बनने की जरूरत नहीं है। ये लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के समस्याओं के साथ रहते हैं और लोगों के मसाइल हल करते रहते हैं। मैंने जब से इनसे मुलाकात की है, हालांकि मैं इनसे सीनियर हूँ एडवोकेट में, मगर उससे हमारी मुलाकात हमेशा होती रहती है और हमेशा जो है लोग बेलगाम के डेवलपमेंट के लिए बेलगाम को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। इनके पास सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक यहाँ के लोग और आसपास के लोग हमेशा अपने समस्या को लेकर आते हैं। कभी इन्हें मैंने चिढ़ते हुए गुस्सा करते हुए अहंकार करते हुए नहीं देखा। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यह है के अनिल मिलके सब जो जमीन से लगे हुए। दो बात करना चाहता हूँ इनसे कि 2018 से जितना मैं वेंटिलेशन के पास हमारे फॉर्म के लिए काम करके लिया था, क्योंकि मैं भगवोड में हूँ और 2018 से मैं माइनॉरिटी मोर्चा में सर के संकोट में काम किया हूँ। जो जो भी काम किया हूँ उसके बारे में एक शॉर्ट में थोड़ा ब्रीफ में बोलना चाहता हूँ। अगर ना बोलूँ तो बेइंसाफी होगी। जो काम की है उनके बारे में बोलना बहुत जरूरी है और बैंकेसर जो भी काम करे हैं वो स्पेशली माइनॉरिटीज को वो जाहिर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो सीधे हाथ में काम करते हैं वो डाले हाथ में नहीं मालूम होना है, ऐसा कुछ रहेगा। जब से मैं बकवोड़ में आया बहुत सारे मसले थे, इसके लिए बैंकेसर के राइफल सोने के साथ माशाल्लाह काम बहुत कुछ हुए हैं और वो आम लोगों को भी मालूम है। विशेष करके बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर है, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उनके सामने बात करना हमारी ये तो नहीं है, लेकिन बात करना आते वक्त मैं अंदर गया तो वो सब बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। मैंने सोचा कि उस स्टेज पर जाने से पहला क्या बात करेंगे, क्योंकि पुराने लोग हैं और उसके साथ नए मेरे साथ तो बहुत थे, वो भी है पठान साहब, इतने हंस कर देखो मुझे देख लो। आदमी साहब तो मेरे सीनियर है और नए नए लड़के भी जो है मेरे साथ जिन्होंने अभी भी काम शुरू किया है वो लड़के भी लोग हैं। और इस बेलगाम सुपर मार्केट के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर विराजमान मेरे सीनियर जिन्होंने वकालत कैसी की जाती है उसका थोड़ा बहुत कुछ सिखाया। अनिल साहब और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर मुश्ताक अहमद जमादार साहब, हमारे सेक्रेटरी अलमीन के अथनी एडवोकेट साहब, तमाम बहनों और भाई मुझे नसीब थे, वो मुझे अक्सर यहाँ बुलाकर जो है विदाया करते थे अलमीन के कामों में। कमाल